हाँ तो यूट्यूबर्स, जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि हाउ टू मेक थंबनेल लाइक जोश टॉक या होप टॉक, तो मुझे अच्छा खासा कोई वीडियोस मिला नहीं। किसी वीडियोस पर फॉन्ट अच्छा से नहीं बताया है, मेन थीम ही नहीं बताया किसी किसी वीडियोस पर। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक अच्छा एक्यूरेट वीडियो बनाया जाए। तो मैं इस वीडियो पर आप लोगों को बताऊंगा कि होप टॉक या जोश टॉक जैसा आप लोगों को कैसे थंबनेल बनाना है। मैं इस वीडियो पर जो भी मटेरियल यूज करूंगा, लाइक कोई फॉन्ट यूज करूंगा, कोई पीएनजी यूज करूंगा, उसे आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। जोश टॉक या होप टॉक जैसा थंबनेल आप लोग अपने मोबाइल पर बना सकते हैं, और वो भी पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का यूज करके। इधर हम लोग पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं। आप लोग भी जब ओपन कीजिएगा तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप लोग डिफॉल्ट टेक्स्ट यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और ऊपर में आप लोगों को डिलीट करने का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर में थ्री डॉट मिल रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है इमेज साइज, उसके बाद आप लोग वो वाला क्लिक कर लेना है, और कस्टम के जगह पर क्लिक करके आप लोगों यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट कर लेना है उस पर, उसके बाद आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर क्लिक कर लेना है जहाँ पर आप लोगों को एरो नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, फिर आप लोगों को ग्रेडियंट पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों को इधर राइट साइड पर थोड़ा सा स्लाइड कर लेना है, और ये वाला आप लोगों को ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है, फिर आप लोगों को प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है, और जहाँ पे आप लोगों को व्हाइट नजर आ रहा है वहाँ पे वैसे रहना है, वहाँ पे आप लोगों को ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कलर पर क्लिक करके यहाँ पे हम लोग ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं, और जहाँ पे अब आप लोगों को एरो मिल रहा होगा दोनों साइड ब्लैक हो गया, लेकिन अब आप लोगों को जहाँ पे एरो मिल रहा होगा वहाँ पर क्लिक कर लेना है, फिर से कलर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को वायलेट सेलेक्ट कर लेना है, लाइक कुछ इस टाइप का। मैं यहाँ पे वायलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को जहाँ पर एरो मिल रहा होगा वहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर आप लोगों को एरो मिल रहा होगा ना, ये वाला चीज़ ये वाला, इसको आप लोगों इस पे आप लोगों को ड्रैग कर देना है, और ये वाला यहाँ पर आप लोगों को ड्रैग कर देना है, इसको इस टाइप करके कुछ यहाँ पे आप लोगों को रख देना है, ठीक है। और फिर आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको आप लोग और छोटा करना है चाहते हो तो इसको आप लोग करना है, नहीं तो फिर आप लोग नीचे में ये वाला जो देख रहे हो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला ब्लैक वाला देख सकते हो, और छोटा आ जाएगा। तो हम लोग इस टाइप करके यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेना है, जितना छोटा आप लोगों को ये वाला बिंदु चाहिए, ठीक है, ये वॉलेट वाला बिंदु, वहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ पर हम लोग कुछ इस टाइप का हम लोग को वॉलेट यहाँ पर सेलेक्ट करना था, तो यहाँ पर हम लोग कर लिया है। उसके बाद आप लोग वो पीएनजी ऐड कर लेना है जो आप किसी यूट्यूबर का देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं टेक चैंपियन सपोर्ट सर का यहाँ पे मैं ऑलरेडी थंबनेल से कट करके रखा था, वही वाला अभी मैंने ले लिया, यहाँ पर यस कर लेता हूँ। लेकिन साइड में भी आप लोगों को देख सकते हैं टेक चैंपियन सपोर्ट का और एक सेल्फी वाला है, उसके हम लोगों को इरेज करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, बीच में क्लिक कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्लाइड करेंगे राइट साइड पर, यहाँ पर हम लोगों को इरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम लोग क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम लोगों को ये वाला दोनों ऊपर का ऑप्शन को हम लोगों को बढ़ा देना है, और यहाँ पर धीरे धीरे हम लोगों को ये वाला इरेज कर देना है। आप लोग बाद में मतलब पहले भी इरेज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली इरेज किया था कुछ वेबसाइट से, इसीलिए वो भी आ गया था, थंबनेल से डायरेक्टली लिया था। यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ, और यस करने के बाद इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छा सा नजर आए। और उसके बाद आप लोगों को इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना है, तो नीचे में देख सकते हो कलर फिल्टर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, और यहाँ पर आप लोगों को ब्राइटनेस अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अपने फोटो के हिसाब से जो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। मैं अपने फोटो के हिसाब से थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लिया, और यहाँ पर यस कर लिया, ठीक है। इसको अब यहाँ पर ऊपर में आप लोगों को लेयर का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद ये लेयर को आप लोगों को लॉक लगा देना ताकि इधर उधर ना हिले। उसके बाद आप लोग अपना फोटो पीएनजी जो आप ऐड करना चाहते हैं अपने कैरेक्टर का, वो वाला यहाँ पे आप लोगों को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं जूम करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को ऐसा ब्लैक कलर का शेडो वाला पीएनजी आप लोगों को ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं ऐड कर लिया हूँ, यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ, आप अपने फोटो के हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। मैं अपने फोटो के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वाला टेढ़ा देना है कुछ इस टाइप करके, इतना टेढ़ा देना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोग एरो मिल रहा है इस जगह पर क्लिक करके आप टेढ़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यही वाला शेडो अपने पीएनजी की तरफ भी आप लोगों को करना है, तो यहाँ पे लेयर में क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे पेंसिल का एक आइकॉन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करूंगा, और देख सकते हो ऊपर में ही आप लोगों को कॉपी का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर मैं क्लिक कर लूँगा। उससे पहले जो नीचे वाला लेयर था उसको मैंने लॉक लगा दिया। अब ये वाला ब्लैक शेडो को आप लोगों को इधर आप लोगों को रोटेट करना है, कुछ इस टाइप करके इधर आप लोगों को रोटेट कर देना है, और इसको भी आप लोगों को यहाँ पर लगा देना है। आप अपने फोटो के हिसाब से कीजिएगा, मैं अपने फोटो के हिसाब से कर रहा हूँ। अब तक हम लोगों का थंबनेल आधा अधूरा बन चुका है, अब आप लोगों को यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। तो ऊपर में आप लोगों को प्लस आइकन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जहाँ पे एरो मिल रहा होगा एक ऑप्शन पर उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोग एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोगों को जो लिखना है वो लिखना है। मैंने यहाँ पर देख सकते हो लिखा है, यहाँ पर गरीब का लड़का लिखा है। उसके बाद नीचे में आप लोगों को थोड़ा सा राइट साइड पर स्क्रॉलिंग कर लेना है, और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा फॉन्ट का ऑप्शन, उस पर आप लोग क्लिक कर लेना है। अभी मैं रिसेंट में चला जाता हूँ, मेरा ऑलरेडी एक फॉन्ट है हलंत बोल्ड करके आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ, और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देख सकते हो कुछ इस टाइप करके इतना बड़ा करना है हम लोगों को, जितना वहाँ पे ब्लैक शेडो जितना तक है, ठीक है। लेकिन देख सकते हो वो जो ब्लैक शेडो है थोड़ा सा टेढ़ा है, तो हम लोगों को टेक्स्ट भी थोड़ा सा टेढ़ा करना है। तो देख सकते हो नीचे में आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा होगा रोटेट का ऑप्शन, उस पर आप लोग क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आप लोगों को प्लस एक कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, प्लस एक मतलब डिग्री, एक डिग्री हम लोगों को सिर्फ थोड़ा सा झुकाना है। उसके बाद यस कर देना है, और फिर आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्लाइड कीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग कलर का ऑप्शन मिल रहा होगा,
उस पर आप लोग कलर कर सकते हो। यहाँ पे मैं कलर कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला कलर कर लेता हूँ, येलो वाला कलर, ठीक है। बाकी आप लोग अगर नहीं मिल रहा है तो प्लस आइकन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से येलो सेलेक्ट कर सकते हो और ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को ग्रेडियंट नहीं लेना है, बाकी आपका मर्जी, आप ग्रेडियंट ले सकते हो। यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ और इस लेयर को, ये टेक्स्ट वाला लेयर को मैं अभी लॉक लगा देता हूँ, और ये जो ब्लैक शैडो था उसको भी हम लोगों को लॉक लगा देना है। अब इसी टेक्स्ट को आप लोगों को कॉपी कर लेना है, ठीक है। गरीब कलर का है तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग पेंसिल आइकन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कॉपी मिल रहा है उस पर आप लोग क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर से हम लोग इस पर एडिट कर लेना है और गरीब का लड़का यहाँ पे दिया है उसके बाद मैं लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लिख लिया मैंने महीने का, ठीक है। और इसको ये भी है आपका एक डिग्री झुका हुआ रहेगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे आप लोगों को झुकाना है। पहले ही जैसे आप लोग वो वाला टेक्स्ट कॉपी करोगे ना तो ऑटोमेटिक उसी सेम टू सेम वही वाला टेक्स्ट आप लोगों वही वाला जैसे जैसे करोगे वही वाला सेम टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कलर चेंज करना है तो फिर से हम लोग यहाँ पे राइट साइड पर सेलेक्ट करेंगे और कलर पर क्लिक करके यहाँ पे हम लोग इस बार व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देख सकते हो व्हाइट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपका व्हाइट नहीं आ रहा तो प्लस आइकन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट कर सकते हो। ओके पर क्लिक कर देते हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब महीने का गरीब का लड़का महीने का हो गया। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को भी हम लोग को लॉक लगा देना है और फिर से हम लोग येलो वाला क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है रुपया 50,000। यहाँ पे देख सकते हो रुपया 50,000 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे बड़ा करके अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो यार जो भी मैं बता रहा हूँ मैं अपने थंबनेल के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपने थंबनेल पीएनजी वगैरह के हिसाब से बता रहा हूँ। आप अपने थंबनेल पीएनजी के वगैरह के हिसाब से कीजिएगा, बाकी आप सेम टू सेम चीज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दिया गरीब का लड़का महीने का 50,000। अब हम लोगों को लिखना है कमाता है, तो यहाँ पे फिर से मैं लेयर में जाऊंगा, 50,000 को लॉक लगा दूंगा और हम लोगों को फिर से व्हाइट वाला लेना है। तो महीने का जो है वो टेक्स्ट हम लोगों को व्हाइट था, तो यहाँ पे मैं महीने का वाला कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कमाता है। कमाता है मैंने लिख लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ क्योंकि उधर हम लोगों को साइड में एक इमोजी भी हम लोगों को देना है, ठीक है। देखो पैसे वाले इमोजी हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर यस कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको भी क्लिक कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप करके यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को ये वाला इमोजी आपके पीएनजी में अगर हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप लोगों को सिंपल से जहाँ पे एरो मिल रहा होगा बीच में आप लोगों को क्लिक कर लेना है और थोड़ा सा राइट साइड पर स्लाइड कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग स्ट्रोक मिल जाएगा, यहाँ पर एनेबल कर देना है और यहाँ पर आप लोग ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है और स्ट्रोक वाइड जहाँ पे 2 है वहाँ पर आप लोगों को 5 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर थोड़ा सा नीचे थोड़ा साइड राइट साइड पर स्लाइड कीजिएगा, शैडो का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप लोग क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर एनेबल कर देना है और देख सकते हो ये वाला जो इमोजी है वो थोड़ा सा हाईलाइट हम लोगों को अभी भी नजर आ रहा है। पूरा पूरे हम लोगों का थंबनेल यहाँ पर बन चुका है। अब आप लोगों को यूट्यूब वगैरह लोगो देना है तो साइड में आप लोग दे सकते हो, मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया कि कैसे देना है। वो इतना तक अगर आप लोग सीख गए हो तो यूट्यूब थंबनेल यूट्यूब पीएनजी वगैरह कैसे ऐड करना है आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, जैसे गरीब का लड़का यूट्यूब से यूट्यूब का लोगो देता, फिर से देता और महीने का 50,000 वो आप लोगों को नीचे दे देते, कमाता है ऐसा ही लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते थे कि गरीब का लड़का यूट्यूब से महीने का 50,000 कमाता है या गरीब का लड़का महीने का 50,000 कमाता है। ये थोड़ा सा मतलब शॉर्ट तरीका हो रहा है, आप अगर लॉन्ग लिखना चाहते हैं तो उस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा थंबनेल में जितना हो सके उतना शॉर्ट लिखिए, ज़्यादा लॉन्ग कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। इस थंबनेल को बनाने के लिए पीएनजी फॉन्ट या जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किया हूँ उसे आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना है। लेकिन उसमें आप लोगों को पासवर्ड एडेड मिलेगा, आप लोगों को पासवर्ड वीडियो पर भी कहीं पर आप लोगों को मिल गया होगा, उसे आप लोग फिल कीजिए, आप लोग जीप को एक्सट्रैक्ट कीजिए और यूज़ कीजिए। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर आप लोग इंस्टाग्राम आईडी मिल रहा है, अभी तक फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लीजिए और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैसेज भी कीजिए। वैसे आप लोग ब्लॉग वीडियो बनाते हो और ब्लॉग वीडियो का थंबनेल बनाना नहीं आता है तो ऊपर वाला वीडियो क्लिक कर लीजिए, वरना नीचे वाले वीडियो पर मनोज दे जैसा थंबनेल कैसे बना सकते हैं क्लिक कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।